हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो द रैप टॉक शो। तो स्टार्ट करते हैं एमी वे बंटाए से। सो आज एमी वे बंटाए अपने इंस्टा पे लाइव आए थे, जिसके अंदर वो रिप्लाई करते हैं फेक फैन पेजेस और उन लोग को भी रिप्लाई करते हैं जो लोग उनसे कहते हैं कि इतने गाने मत डाला करो। सो वो क्या बोलते हैं आप लोग खुद देख सकते हो। बाकी जो भी लोग खबर फैला रहे कि भाई तक बात पहुंचा दे रहे है ना, मेरे तक बात पहुंचा दे रहे या मेरे से बात हो रही है या फिर यू नो ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है। अपने तक कोई बात नहीं पहुंचा रहा है और अपन कोई किसी की बात चेक नहीं कर रहे। तो होशियार रहो, सतर्क रहो पब्लिक। क्राइम पेट्रोल सीन चालू है इधर पे पब्लिक, इधर पे है ना आर्टिस्ट के नाम पे अपना क्या बोलते हैं अपना अपना काम चलाने के गेम में ना लोगों को उल्लू बनाए जा रहे हैं। रात को ड्रॉप, सुबह मैसेज आता है बोलते हैं कि भाई दूसरा गाना कब डाल रहे हैं। ये है वो जी फैंस, ये है आंख वाली बीके भी फैंस है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई इतना गाना डालना नहीं चाहिए, घर पे जाओ रे, तुम लोग के लिए थोड़ी डाल रहा हूँ मैं मेरे बंटाई की पब्लिक के लिए डाल रहा हूँ, मेरे फैंस के लिए डाल रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं भाई गाना चाहिए, एक गाना रिलीज फटाक से दूसरा गाना चाहिए उनको 5 मिनट बाद, वो है मेरी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई चैनल पे पहली बार आया है या मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हिप हॉप से रिलेटेड डेली अपडेट्स आपको इसी चैनल के अंदर मिलती रहती है। सो अगली अपडेट कृष्णा की साइड से। तो कृष्णा ने कल अपने सॉन्ग जूता जापानी का अनाउंसमेंट किया था, तो इसी के बाद से लोग उमेर की एक लाइव स्ट्रीमिंग की क्लिप काफी ज्यादा वायरल कर रहे हैं, जिस लाइव के अंदर उमेर जूता जापानी का एक सैंपल प्ले करते हैं। एंड इसी के बाद से काफी सारे लोग को ऐसा लग रहा है कि कृष्णा के सॉन्ग जूता चपानी को उमेर ने ही प्रोड्यूस किया है। वैसे आपको क्या लगता है ये मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। अगली अपडेट बादशाह वर्सेस हनी सिंह की साइड से। तो शायद हम लोग को हनी सिंह वर्सेस बादशाह की बैटल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बादशाह खुद हनी सिंह के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद इक्का पाजी ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर बोला है। तो छोटी सी क्लिप आप लोग खुद देख लो। पहले अभी हम हसले बैठे थे हडल रूम में बादशाह भाई और मैं, तो मैंने उनको बोला कि बादशाह भाई मैं चाहता हूँ कि आप और हनी भाई जरूर गाना करो। बादशाह भाई के बताऊं क्या वर्ड्स है, कहते मैं खुद चाहता हूँ यार, कहते पता नहीं बात कहाँ रुकी हुई है भाई, बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही। जब तक वो आर्टिस्टों के बीच में कमरे में नहीं बैठेंगे ना, जब तक ये तब तक कभी सॉल्व नहीं होगा। और इतने भी ये आर्मी वाले फैन वाले ये और वो लड़वाते रहते हैं भाई, उन्हें कुछ नहीं पता भाई। कहेंगे खुद के वर्ड्स से कि कम मैं चाहता हूँ कि मैं हनी भाई के साथ ट्रैक करूँ, कहते पर ये दुनिया नहीं चाहती, कहते इतना वो है ना, कहते जब तक वो हमारी बात नहीं होगी ना आपस में तब तक। मैंने कहा मेरी भाई पर्सनली इच्छा है कि मैं आप दोनों को साथ में देखूँ, क्योंकि जो आप दोनों साथ में कर सकते हो ना, मतलब वो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज होगी भाई, जो आप दोनों मिलकर कर दोगे, ये तो बटे हुई शक्तियां, मजा आ जाएगा भाई। साथ ही बादशाह की एल्बम हम लोग को फरवरी में देखने को मिलेगी। साथ ही UK07 राइडर की साइड से बिग बॉस के लिए एक डिस आउट हुआ है, जिस सॉन्ग का नाम है पे बैग। अगर आप लोगों ने सुन लिया तो मुझे बताना आप लोग को कैसा लगा। बाकी इन सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग चेक कर लेना। खैर अभी के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी काफी जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।